वेस्टर्न ओवरसीज वालों करवाया जा रहा है आईएलटीएस एंड स्टडी वीजा फेयर, जिस विच वक वक देशां दे 400 तो वध यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस दे नुमाइंदे ऑन स्पॉट एडमिशन देंगे। एक बार जरूर आओ अते अपने भविख नूं उज्जवल बनाओ, नाल ही आईएलटीएस दे 9 बैंड हासिल करन दे टिप्स पाओ। वेन्यू देश प्रदेश लाइव के सारे दर्शकों का शो के स्वागत, मैं रणवीर संधू, मेरे नाल ने वैसटन ओवरसीज़ तो प्रदीप जी। बहुत सारिया गल्लां बातां होईयां, काफ़ी इन्होंने जिहड़े सैमीनार कीते, बच्चे इन्हां नूं मिले, सानूं फेसबुक ते काफ़ी मैसेज आए, बच्चे ने मतलब कमाल की फीडबैक मार्केट की दिती है कि अज यूएसए के नाम से किवें लुट सुट हो रही है, बहुत वड्डी रिजैक्शनस जी आस्ट्रेलिया की देखने को मिल रही है, बहुत वड्डी रिजैक्शनस जी है न्यूजीलैंड की देखने को मिल रही है, और कैनेडा दे भी बच्चों को गुमराह किया जा रहा। अज शो असी सिर्फ डेडिकेटेड कर जा रहे हैं, दो तो जो सैमीनार ने वैसटन ओवरसीज़ उन्होंने बारे डिटेल की जानकारी देवे, तो असं गल करा यूएसए के जो तुम अपलाई करना चाहते हो सही तरीका की, अज दस दस पंद्रह पंद्रह लाख रुपए लैके अपलाई किया जा रहा, बहुत वड्डी कटौती उन्होंने की जा रही है, जदों कि ऐसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी वालों किसी तरह की कोई फीस बच्चों की जी है नहीं कट्टी जाती, सो बच्चों लख दो तीन तीन लख रुपये का घाटा जोड़ा है एक बार अपलाई कर पै रहा है। सो तुम ध्यान के नाल जुड़े रहना, यूएसए के किमें अपलाई करना है, आस्ट्रेलिया का जोड़ा रिजैक्शनज आ रही है वो तो किमें असं बच सकते हैं, और जो फेयरस हो रहे हैं दो उन्होंने जी है भरपूर जानकारी जी है वक् देशों की प्रदीप जी वालों और इन्हों की टीम वालों दी जाएगी। प्रदीप जी स्वागत सब तो पहले, सत श्रीकाल दोस्तों। मैं आना चाहूँगा जो फेज तुम किए हैं और दो हले रह रहे हैं उन्होंने इनफॉर्मेशन विद्यार्थियों दे दी कि 8 तरीक को चंडीगढ़ होटल शिवालिक व्यू 17 ई दे विच किया जा रहा है, और इस लड़ी तहत जोड़ा है 16 अंबाला सिटी के करन प्लाजा के किया जा रहा है, जो कि प्रेम नगर के पैंता है, दोवें जोड़े खास तौर पर सैमीनार ने अफेयर ने उन्होंने जी है 10 to 5 के विद्यार्थियों की शिरकत रहेगी, विद्यार्थी विद अपने जोड़े कागज़ ने उन्होंने संबंधी जोड़े है मिल सकते हैं, असैसमेंट करवा सकते हैं, काफ़ी मुद्दे निकल के आए हैं सैमीनारा उन्होंने शुरुआत करनी चाहूँगा। प्रदीप जी थोड़े नाल वाल मैं आऊँगा कि एक्सपीरियंस थोड़ा किस तरह का रहा, बच्चों ने की आके फीडबैक दी है, की विद्यार्थी इस वक्त की कहना चाह रहे हैं? जी डेफिनेटली, अभी जो रिसेंटली हमारे फेयर्स हुए हैं, लाइक वो लुधियाना था, कुरुक्षेत्र था, अपना पटियाला में हुआ, इसके अलावा नवांशहर में हुआ, मतलब नई नई ऐसी ऐसी चीजें स्टूडेंट से सुनने को मिल रही हैं जो सुन के हम भी हैरान हैं। लाइक लुधियाना में भी रिसेंटली एक स्टूडेंट मिला, उसके 5 बैंड और आईएलटीएस में 5.5 एंड थे ओनली 5 और स्पीकिंग में 4.5। तो वो स्टूडेंट बोलता है जी मेरे को किसी मोहाली में या चंडीगढ़ में किसी एजेंट से उसने अपनी फाइल लगाई है जिसमें पहले उसने कुछ एडवांस दिया है, प्लस में उसको ये शर्त रखी गई है कि जी मतलब उसके साथ एग्रीमेंट किया गया है कि अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो आपका तकरीबन पूरी फीस का 10 to 12 लाख रुपए फीस है साल की, उसमें से 10% या 20% 2 लाख के आसपास उसका घाटा होना है। तो मैंने स्टूडेंट से पूछा भाई किस चीज का घाटा है, ये आपकी एम्बेसी फीस 10,000 रुपये है, सर्विस फीस 12,000 रुपये है, अगर हम कभी अप्लाई भी करते हैं किसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो 7,000 रुपये उसके लग जाते हैं। सर पहले तो सवाल है थे 40,000 रुपये सारे सारी संस्थाएं पहले फीस भरानी है यूएसए की? नहीं, यूएसए में फीस जाएगी ही बाद में, फिर फीस 10-12 लाख क्यों देता बच्चे ने समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहानी है। लाइक उसको ये बोला गया कि जी आपके तकरीबन 2 लाख रुपए आपका क्या नाम है, अगर वीजा नहीं लगता तो 2 लाख रुपए का आपका घाटा पड़ेगा। पंजाबी सीधा कहूंगा ठगी है, कह सकते हैं, बहुत बड़ी ठगी कह सकते हैं। तो मैंने कहा बेटा ऐसा है कि ऐसा किस चीज का ले रहे हो आप, देखो ना कि कॉलेज क्या है, यूनिवर्सिटीज है, उसके एडवांस तो कुछ जा ही नहीं रहा है, आपका एडवांस तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस है या फिर आपके कुरियर चार्जेस हैं या फिर आपकी एम्बेसी फीस 10,000 रुपये है या सर्विस फीस है 12,000 रुपये, सारा मिला के 20,000 रुपये ला लो, 40 लगा लो, 40,000 रुपये लगा, 2 लाख रुपये किस चीज का? मैं वही स्टूडेंट से पूछना चाह रहा था, मैंने कहा बेटा तेरे 5 बैंड है और स्पीकिंग में तेरे 4.5 बैंड है, इट मींस आप कैपेबल ही नहीं, बोल ही नहीं सकते, आप बोल ही नहीं सकते, अगर आप वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं करोगे आपको तो आगे आपको पता है कुआ है उसमें गिरने जा रहे हो, पीछे घेरा आगे कुआ, बात वो हो रही है ना, आप चाहते हो कि मैं गिरूं तो गिरो भाई, लेकिन 2 लाख रुपए तेरा घाटा हो रहा है, कोई पेड़ पे थोड़ी लगे हुए हैं पैसे। बोला सर मैं रिस्क लेना चाहता हूँ। अरे भाई रिस्क लेना तो कुआ है, गिरेगा ही गिरेगा। मैंने कहा बेटा पहले अपनी स्पीकिंग इंप्रूव कर, और स्पीकिंग इंप्रूव करेगा क्योंकि विदाउट आयल्स या आयल्स काफी ये भी मुद्दा आया कि विदाउट आयल्स भी बच्चे जा रहे हैं, लेकिन वो बच्चा जा रहा है जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जो बोल सकता है, जिसकी कन्विंसिंग पावर अच्छी है, जो वीजा ऑफिसर को इंग्लिश में बात कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, रिस्क वो बच्चा लवे जिन्हें सारे कागज ठीक ने, इंग्लिश आती है क्योंकि यूएसए के जुआ है, रिस्क है, कई बार मिल जाती है 5 मिनट का इंटरव्यू, बिल्कुल
अगर वो वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई करता है, वीजा ऑफिसर को कन्विंसिंग पावर उसकी है, वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई करता है व्हाई यूएसए, व्हाई पर्टिकुलर दिस यूनिवर्सिटीज, व्हाई पर्टिकुलर दिस कोर्स, और वीजा ऑफिसर को लगता है तो 5 मिनट वो वीजा देंगे, अगर नहीं लगता है तो सॉरी बोल के आपको पासपोर्ट वापस दे देंगे। जो तो बच्चे ने पता है कि मैं बोल नहीं पा रहा और रिस्क नहीं है, वो रिस्क नहीं है, तुम जान बुझ के एक पंजाबी दे विच कहते हैं कि नंगियां तारां नूं छेड़न वाली गल है, आ बैल मुझे मारन वाली गल है, रिस्क वो है कि तुहाडी फुल फ्लैज तैयारी है। चलो किसी कारण जो वीजा रिजैक्ट होंदा, मैं इसनूं प्रवान करदा, एक्सैप्ट करदा कि मेरा वीजा रिजैक्ट हो गया, वक्री गल हैगी है, तुम माड़ा एजेंट चुन लिया, 2 लाख का घाटा खाने को तैयार है, इंग्लिश तुहानूं आउंदी नहीं, यह रिस्क नहीं है, यह तुम जान बुझ के अपना वीजा रिजैक्ट करा रहे हो, 2 लाख रुपए के माँ प्यो का जिहड़ा है नुकसान कर रहे हो। इस तों अलावा होर एक्सपीरियंस जिहड़े मतलब कुल मिलाकर यूएस वालों के लिए तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि यूएस एम्बेसी में आपको खुद फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, आपको खुद जाना पड़ेगा, मतलब फेस टू फेस आपका इंटरव्यू है। अगर वीजा ऑफिसर आपको, क्योंकि आपको वहां पंजाबी में तो आप दे नहीं सकते ना हिंदी में दे सकते, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ने जा रहे हो, वो भी इंग्लिश में आगे सारी पढ़ाई है, तो यू नीड टू गिव द इंटरव्यू इन इंग्लिश ओनली, आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है। अगर इंग्लिश आप जानते ही नहीं है तो भैया अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज पहले अपनी स्पीकिंग इंप्रूव करो, देन अप्लाई करो जी। एक तो यही है, सेकेंडली मुझे काफी ऐसे पेरेंट्स भी मिले, मतलब मैं इस शो की बड़ी तारीफ करना चाहूंगा पहले आपकी और इस टीवी चैनल के जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, मतलब जैसे एक छोटी सी बात है, अगर हम पास्ट में जाए, पहले एक रामायण और महाभारत आती थी, लोग अपने सारे प्रोग्राम छोड़ के, सारी चीजें छोड़ के वो महाभारत या रामायण देखते थे, चाहे वो खेतों में है, चाहे कोई नौकरी पे है। सेम इस प्रोग्राम का वही हाल है कि मैं हर कोई शाम को लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि वो मुझे पता चला है लोगों से मिलके, हर किसी के स्टूडेंट्स ने, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने यही बोला है कि सर हम इस शो को बहुत देखते हैं, तो इसमें चाहे कोई भी आता है, चाहे मैं आता हूँ, चाहे कोई भी आता है, तो थैंक्स अगेन आप लोगों ने इतना आप लोगों ने लोगों को अवेयर करने के लिए किया है, थैंक्स अगेन, शुक्रिया। बच्चों का बहुत खुशी होती है और सलूट है तुहानू, तुहानू तुसीं अपना कीमती समय कढ के इस शो दे नाल जुड़दे हो, पर एक चीज ध्यान रखो जिंदगी दे विच, साडा मकसद अवेयर करना है, जिहड़ा साडा काम हैगा होका देना, जागना काम तुहाडा हैगा। जदों अज वी इस तरह दी कंप्लेंट्स आ रही ने कि 2-2 लाख रुपया तुसीं लुटा रहे हो, फिर कई बारी मन दुखी हुंदा कि शो चलाउण दा फायदा की होया, इह अवेयरनैस नूं लैके हैगा शो। बहुत सारे विद्यार्थियों कई बारी भुलेखा हुंदा शायद कि जिहड़े नंबर डिस्प्ले ने इहदा मतलब होगा जी असीं सिर्फ फाइलां देणियां जाके, असीं कदे वी नहीं कहिंदे कि विद्यार्थी साडे एक्सपर्ट्स नूं फाइल देणा, साडा मकसद हुंदा कि उह तों असैसमेंट कराओ, जानकारी लो, जो टीवी दे बोले ने उहदे बारे होर डीपली जाओ, क्योंकि अद्धे घंटे दे विच असीं उन्ना कुछ नहीं बोल सकते जिन्ना कि तुसीं जाके असैसमेंट करवा के, इक 2-2 घंटा तुसीं फीस देणी है। हुण प्रदीप जी ने गल किया कि बच्चे ने 2 लाख रुपया 2.5 कटाउण नूं तैयार है, ਤੁਸੀਂ 1 घंटा ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੌਰ, ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-25-30 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਰੱਸੀ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਲਏ, 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਲਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ, ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਕਿੱਥੇ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਯੂਐਸਏ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹਟਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਲਸ ਦੀ ਡੇਟ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਯੂਐਸਏ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੋ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਮਤਲਬ 5 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਟਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਸਕ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, 2-2 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਧੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯੂਐਸ ਕੀ ਅਗਰ ਬਾਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਯੂਐਸ ਕੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਪੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਦਿਨ ਮੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 200 ਅਪਲੀਕੈਂਟ ਸੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦਾ ਮੋਰ ਟਾਈਮ, ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ 5 ਮਿੰਟ ਮੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਅਬ ਯੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੋ ਤਰੀਕਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਈ ਬਾਰ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਅਪਲੀਕੈਂਟਸ ਕਾ ਵੀ ਉਸਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਕਈ ਬਾਰ ਜੋ ਅੱਛਾ ਵੋ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ 5 ਮਿੰਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਇੱਕ ਤੋ ਯੇ ਦੇਖਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਕਾ DS-160 ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਮੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਕਿਆ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਕੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ DS-160 ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਯੇ ਇਸਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਭਰਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਾਏ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਜਬ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਮਿੰਟ ਕਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਉਸਮੇ ਬੱਚੇ ਘਬਰਾਏ ਨਾ, ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਸਪੀਕ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇ ਪੂਰੀ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਬੋਲੇ, ਲਾਈਕ ਸਪੀਡ ਸੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਕੇ ਸਾਥ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਕੇ ਸਾਥ।
रिसर्च करके जाएं कि भाई वाई यूएसए, वाई पर्टिकुलर दिस यूनिवर्सिटीज, वाई कोर्स, कोर्स कंटेंट्स, और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आउटकम मतलब क्या स्कोप है, किस टाइप की जॉब मिलेगी। सेकंड, यहां पे एक सबसे बड़ी बात और है जो मैं यूएस के जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं मैं उन सबको बोलता हूं कि वीजा ऑफिसर एक चीज पूछता है कि भैया आपके पास किस किस यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की I-20 है। मीन्स आपने पर्टिकुलर जाना है एक ही यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में है, लेकिन स्टूडेंट्स को साइमल्टेनियसली 3-4 यूनिवर्सिटीज में इकट्ठे अप्लाई करना चाहिए ताकि वीजा ऑफिसर को बता सके मैंने ABCDZ इन 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, उसमें से मेरे पास 3 का ऑफर लेटर I-20 आई, लेकिन पर्टिकुलर मैंने इस बी यूनिवर्सिटी को चूज किया। तो वीजा ऑफिसर सेटिस्फाई होता है कि स्टूडेंट्स ने रिसर्च कर रखे हैं। तो ये 4-5 चीजें हैं जो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। एक तो बच्चा कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस के साथ बात करे, वो पूरे रिसर्च करके जाए और 3-4 यूनिवर्सिटीज में कम से कम अप्लाई करे ताकि वीजा ऑफिसर अगर पूछता है कि आपके पास किस किस यूनिवर्सिटीज की I-20 है तो वो बता पाए कि मैंने इतनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था और इनमें से इतनी की आई और इतनी की नहीं आई। तो वीजा ऑफिसर इन बातों से सेटिस्फाई होता है कि जेन्युइन स्टूडेंट है और इसने रिसर्च की है। सो विद्यार्थी ने मेरे ख्याल इस चीज को टेक्निकली डीपली जान चुका है कि यूएसए ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਅਵੇਅਰ ਹੋ, ਅੱਜ ਪੈਕੇਜ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 25-25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਡੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5-5, 7-7, 10-10 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਪੈਕੇਜ ਕਰਕੇ 15-15 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੈਸੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ट्यूशन फीस देनी है, बट आफ्टर वीजा देना। वही मैं कह रहा हूं जी, फीस बाद में, पहले देने का कोई रिस्क का कोई नहीं हैगा। हां, कोई रिस्क, वीजा आने आता है तो सी देनी है कि नहीं देनी, चल कर कोई हर कोई रिस्क ले सकता है। जो एंबेसी फीस है, सर्विस फीस है, वो सब 5-4 मतलब यही न्यूजीलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। हां, ये न्यूजीलैंड, इधर भी न्यूजीलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ भी बहुत रिजेक्शंस देखने को मिल रही ने, बहुत बच्चे लुटे जा रहे ने, बहुत बच्चे जेडे हैगे ने अज ऐड ਦੇ ਵਿੱਚ, मैं तो कहूंगा अज शो भी पेड शुरू हो गए पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ, बहुत एक शो बना के YouTube ਤੇ ਪਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, Facebook ਤੇ ਪਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, TV ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼, मैं नहीं कह रहा कि शो साडा वधिया जां कोई वड्डा हैगा, इस चीज़ तो बचण दी कोशिश करो कि एक मिनट दे विच इक एजेंट तुहानूं कह रहा आस्ट्रेलिया बंद हो गया, अज न्यूजीलैंड बंद हो गया, अज न्यूजीलैंड च काम नहीं, अज उत्थे काम नहीं, अज उत्थे शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जिहड़ा भी एक्सपर्ट इस चीज़ की गल करदा उहनूं घट्टो घट्ट 4 सवाल पुछो जी, तुसीं 6 महीने पहलां इह कह रहे सी, साल पहलां इह कह रहे सी, किसी भी देश दे विच 5-10 साल दे विच काम ना घटे ना वधे, उहनूं 50-100 साल लगदे ने उहदी उत्थे क्रांति आण नूं, उत्तों का डॉलर उपर उठन, उत्तों के जी इंपलायमेंट हैगी है वो है, बाकी माड़ा मोटा 0.2 पॉइंट जी है इंपलायमेंट रेशो हैगी है, रुजगार का सिस्टम जोड़ा है वो हर साल घटता वादा रहा है। सो न्यूजीलैंड की कहना चाहते, इन्ना वधिया समूथ सिस्टम है, बच्चा कितने गलती खा रहा है, माँ प्यो कितने गलती खा रहे हैं, रिजैक्शन भी आ रही है, पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं बच्चों के। देखो, न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जो रियली में मतलब मैं नंबर वन कंट्री कह सकता हूँ। लाइक पॉपुलेशन सारी 35-40 लाख है, उसका एरिया इक्विवेलेंट टू यूके और जापान के है। वो 12th वाले बच्चों को 1.5 साल या 2 साल पढ़ने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसके बाद 1 साल का ग्रेजुएट जॉब सर्च वीजा है। जो बच्चे ग्रेजुएट्स हैं उनको मिनिमम 1 ईयर फॉर ग्रेजुएट डिप्लोमा, पीजी अगेन 1 ईयर और मास्टर्स 1.5 साल से 2 साल की स्टडी के बाद अगेन ग्रेजुएट जॉब सर्च वीजा दे रहे हैं, जिसमें बच्चों को रिलीवेंट जॉब लेके ग्रेजुएट वर्क एक्सपीरियंस वीजा ले सकते हैं। तो मतलब अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, बस बशर्ते कि स्टूडेंट्स एक अच्छे कंसल्टेंट्स के पास जाए, फेक डॉक्यूमेंट ना लगाए और जेन्युइनिटी के साथ अपनी फाइल लगाए और पूरे रिसर्च के साथ, क्योंकि इसमें टेलीफोनिकली इंटरव्यू आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर बच्चा सेटिस्फाई करता है कि अगेन व्हाई न्यूजीलैंड, क्यों ये कोर्स चूज किया, कोर्स कंटेंट्स, आउटकम, किस टाइप की जॉब मिलेंगी और फ्यूचर्स क्या होगा, इन चीजों का अगर बच्चा ध्यान रखे तो मैं कहूंगा कि न्यूजीलैंड बहुत बढ़िया कंट्री है, क्योंकि इसमें ना कोई रिस्क है। एम्बेसी फीस 14,100 रुपए, बिल्कुल यूएसए वाला सिस्टम में सारी फीस बाद जानी है, कुछ बाद में शुरू में सारा ही 18,000-20,000 रुपए का रिस्क है और सारी की सारी फीस बाद में जानी है। तो कहीं ना कहीं बच्चा भी सेफ है और अपॉर्चुनिटी भी है। किन्ने वधिया सरकारी कॉलेजेस ने, किन्ना वधिया एक सिस्टम हैगा, सिर्फ अपनी जानकारी लई, अपने चंगे जीवन लई, चंगे बेहतरी लई इको कदम पहला चुको कि अपना एजेंट कंसल्टेंट्स चंगा चुनो जिहड़ा रजिस्टर्ड है,
जिन्हां दे टाई अप्स ने, मैं कहना जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, घट्टो घट्टी डायरैक्ट टाई अप्स ने, वो आप फाइलां लाउंदा, किसी होर नूं आंढी गुआंढी तो नहीं लाउंदा, क्योंकि आंढी गुआंढी ने तुहाडी फाइल इसे तरह लाउणी हुंदी है। उहदे लई तुसीं इक जिहड़े स्टूडेंट्स नहीं हैगे, कलाइंट हो। सो इस चीज़ का ध्यान रखो। न्यूजीलैंड दे विच अपना प्रदीप जी पिछले शो दे विच वी आपां गल कीती सी, बच्चे जाली फंड वल दौड़दे ने, हैरानी की गल है कि जो दो ऑप्शन ने तुहाडे कोल, पुराने फंड हैगे तुसीं जनरल कैटेगरी कर सकदे हो, नहीं हैगे तां एफटीएस वल जा सकदे हो, फिर भी फ्रेड डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। शॉर्टकट मारते हैं, बच्चे नहीं मानते, इनके पेरेंट्स को भी समझाते हैं या स्टूडेंट्स को समझाते हैं, तो पता नहीं उनको क्या लालच देता है, कौन कैसा लालच देता है कि नहीं जी हम तो मतलब शॉर्टकट में हमेशा आदमी मरता है। दुर्घटना से देर भली, अगर वो एफटीएस लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पैसे तो वो वापस ही आ रहे हैं। जेन्युइन फंड्स लगाओ, अकाउंट्स में पैसे डालो, ठीक है, $15,000 एक्स्ट्रा जा रहे हैं, वापस भी तो मिल रहे हैं, हर महीने $1,250 वापस तो आठे पैसे वापस मिल रहे हैं। बट बच्चे क्या करते हैं, नहीं जी नहीं हम इतना नहीं कर सकते, बाद में जब अगर रिजेक्शन आ जाती है ना, फिर बोलते हैं हाँ सर अगर आपकी बात मान ले तो अच्छी बात। तो पता नहीं क्यों, अब इसमें क्या कह सकते हैं, लेकिन मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप ऐसे काम मत करिए। अगर आपका एक कंट्री का रिजेक्शन आ गया ना, तो फिर दूसरे कंट्री का भी चांसेस कम है। अगेन यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, 4-5 कंट्रीज ने मिलके कस्टोडियम बना लिया अभी। अभी मैं एडेंस कॉलेज की मीटिंग्स में था, मिस्टर प्रदीप वाज देयर, उनसे भी वो भी वीजा ऑफिसर से मिलकर टाइम टू टाइम हमारी भी बात होती रहती है, प्रदीप जी वाले वाले। तो एडेंस कॉलेज की होटल अरोमा में मीटिंग्स थी पिछले वीक, तो वहां पे भी ये चीजें बताई जा रही थी, और प्लस में हम भी टाइम टू टाइम एम्बेसी से ये अवेयर होते रहे हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूएसए, आयरलैंड, इन कंट्रीज ने मिलकर ना कस्टोडियम बना लिया है। कस्टोडियम का मतलब ये है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आपस में पास करेंगे, अगर आपका एक कंट्री का रिजेक्शन होगी ना तो दूसरे कंट्री में पता हो जाएगा, शेयर इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएंगी। अगर आपने एक कंट्रीज में सपोज करो फेक डॉक्यूमेंट लगा लिया, जैसे अभी बात हो रही थी कि फेक डॉक्यूमेंट लगा के फंड्स लगा के बच्चे वीजा लेने की कोशिश करते हैं, अगर उसका न्यूजीलैंड का रिजेक्शन आ गया तो शायद ऑस्ट्रेलिया भी नहीं देगा, आगे कैनेडा भी नहीं देगा। बड़े लोगों को भुलेखा, मैं मुद्दा उठाना चाहूंगा इतने, पंजाब के लोगों को बहुत बड़ा भुलेखा है जी, गलत कागज लाके जो रिजेक्शन आ गया दोबारा पासपोर्ट बना लेंगे, बहुत बड़ा भुलेखा। ऐसा नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, वो टाइम जा चुके हैं, अब नहीं हो सकता। सेकंडली एक और मैं बताना चाहूंगा, फेक डॉक्यूमेंट लगा के सपोज ग्रो आप वीजा ले लिया, अगर बच्चा वहां पे पीआर डाल रहा है, परमानेंट रेजिडेंसी डाल रहा है, तब फिर डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। बिल्कुल सच है तुहाडा, जदों आस्ट्रेलिया दे विच बहुत सारे बच्चे 2006-07 दे विच गए सीगे, कुकरी पटैसरी हेयर ड्रेसिंग बहुत तरह के छोटे छोटे कोर्सेस दे विच, सारा जीवन ठीक निकल गया, जदों पीआर मिलन लगी उदों पता लगा तेरा स्पोंसर कौन सी, जाली निकले, सारा जिहड़ी मेहनत सी खूह खाते, 10-20 लाख रुपया पढ़ाई दे खर्चा होया खूह खाते, माड़े रास्ते दा जिहड़ा हैगा अख्तियार कीता, उहदा रिजल्ट भी माड़ा ही निकला। एक मैं यहां चीज होर बताना चाहूंगा, क्योंकि देखो हां ये इंडिया है, जब आप बाहर जाते हो लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जब वहां पे 3-4-5-6 महीने आप वहां रह लेते हो ना, तो बच्चे का स्टाइल चेंज हो जाता है। लाइक वहां हर चीज डिफरेंट है, लाइक मैनेजमेंट स्किल्स हैं, पैसा है, लाइफ स्टाइल्स है। बच्चा अगर वहां पढ़ के कामयाब नहीं होता, इंडिया वापस आता है, चाहे वो फेक डॉक्यूमेंट्स के कारण वापस आता है, कैसे भी वापस आता है, तो उस बच्चे का इंडिया में भविष्य बहुत कम होता है। लाइक उसको ना फिर बाद में ख्वाब दिखते हैं, सपने आते हैं कि मैं न्यूजीलैंड में वापस ले जाऊं, कनाडा में वापस ले जाऊं, अपने साम दंड भेद सारे लगाने की कोशिश करता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप फेक डॉक्यूमेंट मत लगाइए, क्योंकि अब आपने सपोज करो वीजा ले लिया तो आगे समस्या आने वाली है, और वहां जाके अगर आप पे एक बार अपने उस कल्चर में जब ढल जाते हो, तो इंडियन कल्चर में आके फिर आप दोबारा से जल्दी से सेटल नहीं हो पाते। जी प्रदीप जी ना वालों और इनकी वैसटन ओवरसीज की सारी की सारी टीम वालों 8 तरीक को चंडीगढ़ होटल शिवालिक वीर 17 सैमीनार किया जा रहा है, ये मेरे ख्याल सारे देश डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, और इसमें आयल्स को लेकर भी हम जिसमें बीसी और आईडीपी की सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे, जो आपको स्टूडेंट्स को 9 बैंड की परफेक्ट प्रिपरेशन का तरीका बताएंगे कि बच्चा 9 बैंड की पूरी प्रिपरेशन कैसे कर सकता है। जी इस दे नाल ही 8 तो बाद 16 तरीक नूं अंबाला सिटी दे विच करन प्लाजा दे विच जिहड़ा कि प्रेम नगर च पैंदा है, उहदे विच सैमीनार किया जा रहा है, सैमीनार वक्त देशों के स्टूडेंट वीजा नूं लैके है, और आयल्स की टिप्स और काफ़ी सारिया जो टैक्निकल जानकारियां ने भी तुहानूं दित्तियां जाणगियां। दोवें सैमीनार 10 to 5 PM तक किए जाएंगे। अपॉइंटमेंट लई किसी भी तरह की कोई गलबात लई कोई सलाह मशवरा शिकायत सुझाव लई तुसीं जिहड़े नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं प्रदीप जी इन्हां दे जां इन्हां दी वैस्टर्न ओवरसीज़ दी, इन्हां दे उपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई भी अपनी अपॉइंटमेंट जिहड़ी हैगी लै सकते हो। बच्चों नूं तुसीं की सलाह दिंदे हो कि वो अपने जिहड़े असली डाकूमेंट्स ने दस्तावेज ने वो लैके आउण? देखिए अगर फेयर में बच्चे आ रहे हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, ताकि कोई भी कॉलेज की यूनिवर्सिटी और रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे है या मेरे काउंसलर है या मैं हूँ, तो मैं कम से कम उन डॉक्यूमेंट्स को देख के असेस तो कर पाऊँ। और अगर आप ऑन स्पॉट असेसमेंट कराते हैं तो आपको काफ़ी डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, लाइक एयर टिकट्स या लैपटॉप्स या अदर स्कॉलरशिप, लाइक
कनाडा की रजिस्ट्रेशन फीस और हम जो हम सर्विसेज चार्ज कभी लेते भी हैं तो वो भी माफ है. तो काफी इंफॉर्मेशन, काफी चीजें हैं स्टूडेंट्स के लिए. अगर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं हम आपका पास्ट एजुकेशन देख के प्रीवियस आपको बता सकते हैं, प्लस में ये स्कॉलरशिप भी आप ले सकते हैं. जो बच्चे कनाडा जाने चाहवाने, सिर्फ एक मिनट लाना चाहूंगा, कनाडा की सीट्स कितनी को अवेलेबल है, डेडलाइंस आ गई है कुछ? देखिए अगर देखा जाए तो सेप्टेम्बर इनटेक ऐसा होता है जिसमें सारी सीटें, सारे कॉलेजेस के सारे प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं, बड़ा इनटेक है. तो और इसकी जो हम सीट स्टार्ट कर देते हैं, लाइक मतलब इनरोलमेंट स्टार्ट कर देते हैं, वो जनवरी के जस्ट बाद स्टार्ट कर देते हैं. तो अभी भी सीट्स अवेलेबल हैं, लेकिन डे बाय डे सीट्स फिल होती जा रही हैं. कभी कॉलेज से बात करते हैं कि हाँ जी ये सीट फिल होगी, ये भी फिल होगी, ये भी फिल होगी. तो आपसे रिक्वेस्ट है जितना जल्दी अपनी आयल्स कंप्लीट करो. अगर आयल्स कंप्लीट है तो जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन लो, कनाडा में कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा प्रोविंस चाहिए. आप जल्दी से जल्दी इनरोल होइए ताकि आपको वो सीट्स और वो कॉलेज मिल जाए जो आपकी चॉइस है. जी ऑस्ट्रेलिया वाले, सिर्फ दो तीन मिनट लाने चाहूंगा. रिजेक्शन बहुत बड़े पद्धर से देखने, बच्चे डरे हुए हैं. मैं कहूंगा रिजेक्शन भी चलो एक पास रहेगी, बच्चा इन्ना डर गया ऑस्ट्रेलिया जाने तो कि जो ऑफर लैटर अप्लाई करता है उन्हें लगता है कि किस तरह तरह के सवाल होंगे, ऑफर आनी है कि नहीं आनी, फीस भर के डरता है सीओई आऊगी या नहीं आऊगी, इस तरह के मन च पैदा होंगे ने सवाल. फिर वीज़ा तो बहुत दूर की गल रह गई है. उस तो पहला उन्होंने मन च होंगे कि मेरा जो एजेंट है मैं सही चुन लिया, नहीं चुन लिया, मैं हराश तो नहीं करूंगा, तंग तो नहीं करूंगा, परेशान तो नहीं करूंगा. इस वक्त बहुत लोगों ने जोड़ा है ऑस्ट्रेलिया का काम बंद करता, घटाता, वह न्यूजीलैंड वाल हो गए, कैनेडा वाल हो गए, आयरलैंड वाल हो गए, साइप्रस वाल हो गए. की कारण रहा, कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गई एजेंट्स नूं, कंसल्टेंट्स भरावां नूं, या कुछ ऐसा टेक्निकल पॉइंट आ गया कि उन्होंने तो पूरा नहीं हो पा रहा? 15 मार्च 2015 जो अभी गया उसमें काफी कॉलेजेस ने अपनी पॉलिसी चेंज की है. उसमें क्योंकि पहले, क्योंकि आज की डेट में हाई कमीशन है ना कॉलेज को स्टिक कर दिया है. एसवीपी के अंदर इमिग्रेशन ने सारे कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई आप एक जेन्युइन स्टूडेंट्स लेंगे, तो उसी हिसाब से कॉलेज ने अपने प्रोसीजर टाइट कर दिया है. परसेंटेज किसी ने अपनी 50% कर दी, किसी ने 60% कर दी, 5.5 एंड नो लेस देन 5, किसी ने 6 एंड नो लेस देन 5.5 कर दिए. फिर फंड्स की वेरिफिकेशन होती है, बैंक्स में कॉल जाती है, स्टूडेंट्स की के इंटरव्यूज हो रहे हैं स्काइप इंटरव्यू. तो उस तरह से बड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया है. इंटरव्यूज दो बार तीन बार हो रहे हैं, बार बार उनकी प्रिपरेशन हो रही है. तो इस तरह से प्रोसीजर थोड़ा सा टफ हो गया है और बच्चों को दो दो तीन तीन छलनी में से छन के जाना पड़ रहा है. पहले हम उसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, फिर यूनिवर्सिटी चेक कर रही है, उसके बाद इमिग्रेशन भी चेक कर रही है. तो कहीं ना कहीं प्रोसीजर इस तरह से, ये जो इतनी स्ट्रिक्टनेस, फायदा तो है जेन्युइन स्टूडेंट जाएगा, ये फायदा है जेन्युइन स्टूडेंट्स पहुंचेगा वहां पे. और कटोकटी एजेंट्स का भी पता लगेगा उन्होंने कितनी टेक्निकल नॉलेज बच्चे को भेज पा रहे हैं, नहीं भेज पा रहे हैं. सारे ने फाइलां फड़नी शुरू करती सी, मैं भी दुकानदारी खोल ली सी एक बोर्ड ला के, उन्होंने भी खोल ली, इन्होंने भी खोल ली. इस तरह नहीं हुण होएगा. जिहड़े कैंडीडेट्स जिस कंसल्टेंट्स को जा रहे हैं, जो उन्होंने टैक्निकली नॉलेज है तो विदेश जो है खासतौर पर आस्ट्रेलिया भेज पाएगा. एक दूजे को फाइलों फड़ाने वाला भी दौर जो खत्म हो चुका है. पर गल्लां दे विच ना आया करो, गुमराह ना होया करो कि आह चीज़ चल गई, आ बंद हो गई, इत्थे आ हो गया. सो आप रिसर्च करा करो, नैट के उपर काफ़ी जानकारी होंगी है. सानू कॉल कर सकते हो देश प्रदेश लाइव से, फेसबुक के उपर सवाल पा दिया करो, तुहानू असीं जवाब देने की कोशिश करांगे. कोशिश करा करो अपना जो है इनबॉक्स के नंबर छड़ दिया करो या ईमेल छड़ दिया करो रिप्लाई करने वास्ते. कई बार फेसबुक पेज के उपर ओपरेट नहीं होंगे, तुहानू सवाल जो है भेज नहीं सकते जवाब जो है. चलते चलते प्रदीप जी की कहना चाहते हो 8 और 10 के सैमीनार बारे या बच्चों बारे इस वक्त मार्केट स्ट्रैटेजी लैके? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 8 मई को होटल शिवालिक व्यू सेक्टर 17 ही चंडीगढ़ में हम ये फेयर कर रहे हैं. इसके बाद अंबाला में है कर्ण प्लाजा में 16 तारीख का. तो आप जरूर आइए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ. कोशिश करिए आप अपने पेरेंट्स के साथ आएँ ताकि आप एक डिसीजन ले सकें, ऑन स्पॉट अपना असेसमेंट करा सकें और आप जो हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो आप ले सकें. और सेकेंडली मैं कहना चाहूँगा कि आपका करियर आपके हाथ में है. प्लीज़ आप किसी भी कंसल्टेंट को अपनी फाइल देने से पहले ये चेक करिए कि वो जेन्युइन कंसल्टेंट है या नहीं है, कितना क्वालिफाइड है, उसकी काउंसलर्स को नॉलेज है या नहीं है, उसने कितनी सक्सेस स्टोरीज उसकी हैं, कितने बच्चों को वो भेज चुका है और कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है. ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं आपका चांस होगा कि आपके साथ ठगी कम हो. थैंक यू प्रदीप जी, मेहरबानी. उम्मीद कर रहे हैं कि अज का शो तुहाडे लई लाहेवंद होगा. जिन्हें टिप्स असीं दित्ती उन्हां दे उपर तुरन की कोशिश करोंगे, प्रैक्टिकली अपनी जीवन दे विच इस चीज़ नूं ढालिया करो, चंगा कंसल्टेंट चुनो. आने वाले काफ़ी लंबे समय तक तुसी प्रवास के नाल जुड़े हुए हो, वीज़ा तुहाडा एक बहुत वड्डी चीज़ हैगी, तुहानू रुजगार दान जा रही है, पक्का दवाण जा पक्के करन जा रही है, तुहाडा जीवन चेंज हो रहा. तुसी ये देश छड़ के सारा कुछ छड़ के विदेशों के विच जा रहे हो. सो जो तुसी गलत ढंग नाल वीज़ा लैके प्राप्त करके विदेश च पहुँचोगे, सारी उम्र दिमाग च कुछ ना कुछ खटकता रहेगा कि अज ना फस जा कल ना फस जा, इस तरह के सवाल पैदा होंदे रहेंगे. स्मूथ लीगल कानूनी ढंग नाल विदेशों के विच जाओ, जरूर जाओ, गैर कानूनी रस्ते छड्डो. अज दा शो इत्थे खत्म कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे 3:30 बजे अपने दोस्त रणवीर सिंह नाल. कितने शुक्रिया. वेस्टर्न ओवरसीज वालों करवाया जा रहे आईएलटीएस एंड स्टडी वीजा फेयर, जिस विच वक्-वक् देशां दे 400 तो वध यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस दे नुमाइंदे ऑन स्पॉट एडमिशन देंगे.
एक बार जरूर आओ अते अपने भविष्य नूं उज्ज्वल बनाओ, नाल ही आईएलटीएस दे 9 बैंड हासिल करन दे टिप्स पाओ। वेन्यू